दोस्तों, दिवाली सेल के मौके पर हर कंपनी ने अपने कुछ न कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। बात करी जाए यहाँ पर होम अप्लायंसेस की, तो सबसे ज्यादा वैरायटीज आपको इसी में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे होम अप्लायंसेस की, साथ ही ऐसे कुछ पर्सनल गैजेट की जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं इस दिवाली। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल न्यू टेक गैजेट पर, जहां पर मैं आपके लिए ढेर सारी गैजेट्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस गैजेट से भरी हुई दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो न्यू टेक गैजेट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले गैजेट की ओर, इको फ्रेम्स। दोस्तों, पर्सनली मुझे अमेज़न के गैजेट्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वो अपने गैजेट्स में बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और आप सभी लोग रूबरू होंगे अमेज़न एलेक्सा से। दोस्तों, ये एक ऐसी वॉइस असिस्टेंट होती है जो अभी तक की सबसे ज्यादा एडवांस असिस्टेंट मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल हम पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसके साइज में हमेशा से काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। एक बड़े इको डॉट स्पीकर से लेकर अब ये एलेक्सा आपको चश्मे के फ्रेम में भी मिल जाएगी। इस फ्रेम की खास बात होती है कि यहाँ पर ये कोई स्मार्ट फ्रेम नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपको एलेक्सा देखने को मिल जाती है, जो कि आपके लिए एक स्मार्ट असिस्टेंट के तौर पर काम करती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल एक नॉर्मल ग्लासेस के तौर पर कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को इसका पता तक नहीं चलेगा। इस फ्रेम को आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे स्पीकर्स भी लगे होते हैं, जिससे कि आपको एलेक्सा के आउटपुट सुनाई देंगे। वहीं आप इसे किसी भी तरीके की कमांड दे सकते हैं, जैसे रिमाइंडर सेट करना, मैसेज भेजना या फिर गाने सुनना। साथ ही अगर आप चाहें तो ये आपकी मोबाइल नोटिफिकेशन को भी आपको सुना सकता है, जिससे कि आप मैसेजिंग या कॉलिंग जैसी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें एडिशनली कॉलिंग के भी फीचर्स दे रखे होते हैं, जिससे कि आप अपने मोबाइल पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को कॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके का स्मार्ट गैजेट आपकी लाइफस्टाइल को स्मार्ट बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इको बड्स। दोस्तों, अगर आप इस दिवाली ईयरबड्स परचेज करना चाहते हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं अमेज़न के रिसेंटली लॉन्च इको बड्स का, क्योंकि इसकी खास बात होती है कि इसमें आपको बिल्ट इन एलेक्सा देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मली आपको किसी भी तरीके के ईयरबड्स में देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी मदद से आप एलेक्सा को वॉइस एक्सेस कर सकते हैं और उसे कमांड दे पाएंगे। और इसमें बोस नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी साउंड क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। दोस्तों, इसकी मदद से भी आप नॉर्मल किसी एलेक्सा की तरह इससे ऑर्डर कर सकते हैं सामान को, या उबर कैब बुक कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, या बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम किए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसमें आपको कॉलिंग के ऑप्शंस भी दे रखे होते हैं, यानी कि इसे आप अपने मोबाइल असिस्टेंट के तौर पर एक्सेस करेंगे, और अगर आप इसे कॉलिंग का कमांड देते हैं तो ये आपकी कॉल फटाफट लगा देता है। ये इको बड्स आपको सिंगल चार्ज पर लगभग 4 से 5 घंटे तक का बैकअप देते हैं। साथ ही इसके केस में आपको 3 बार की चार्जिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक ईयरबड्स के तौर पर, साथ ही आप एलेक्सा असिस्टेंट को भी इससे एक्सेस कर पाएंगे। इको लूप। दोस्तों, हमारा ये गैजेट आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि आपने एलेक्सा को कई सारे रूपों में देखा होगा, लेकिन ये शायद ही कभी आपने इमेजिन किया हो, क्योंकि एलेक्सा सर्विसेज अब आपकी उंगलियों पर होंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने स्मार्ट असिस्टेंट को अपनी उंगलियों पर, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस इको लूप का। देखने में तो ये एक रिंग की तरह होती है, जिसे आप अपनी वीरिंग के साथ पहन सकते हैं, लेकिन इस रिंग में इनबिल्ट होती है एलेक्सा, जिसे कि आप वॉइस एक्सेस कर पाएंगे। इसकी मदद से आप एलेक्सा को वॉइस कमांड दे सकते हैं। इसमें एक छोटा सा माइक भी इनबिल्ट होता है, साथ ही कॉलिंग और वॉइस आउटपुट के लिए इसमें एक छोटा सा स्पीकर भी दे रखा होता है, जिससे कि आप एलेक्सा से प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सकेंगे। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल कॉलिंग पर्पस भी किया जा सकता है। आप अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके मोबाइल कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस कर सकेगा, जिससे कि आप इसे वॉइस कमांड देकर किसी को भी फोन लगा सकते हैं। दोस्तों, वन प्लस के ज्यादातर फोन जाने जाते हैं अपनी बेहतर और फास्ट परफॉर्मेंस के लिए। और आजकल अगर बात करी जाए तो दिवाली के इस मौके पर वन प्लस ने लॉन्च कर दिया है अपना ब्रांड न्यू स्मार्टफोन वन प्लस 7T। तो दोस्तों, अगर आप इस दिवाली अपना फोन चेंज करने वाले हो तो एक बार इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस अवेलेबल कराता है। और वहीं इसके साथ मिल जाती है आपको 8GB रैम, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा स्मूथ बना देती है।
और इसका 128GB का इंटरनल स्टोरेज एकदम सफिशियंट होता है आपके लिए। लेकिन किसी फोन को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 48+16+12 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमराज होते हैं जो कि आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस अवेलेबल कराएंगे। साथ ही सेल्फी लवर्स को भी ये फोन काफी ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी एक परचेज करना चाहते हो बेहतर फोन, तो इससे बेहतर ऑप्शन आपके लिए कोई होगा ही नहीं। LG सीलिंग फैंस। दोस्तों वैसे LG कंपनी जानी जाती है अपने होम अप्लायंसेस के लिए, लेकिन अभी हाल ही में LG ने लॉन्च किए हैं अपने सीलिंग फैंस की कुछ खास रेंज जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। दोस्तों इस फैन की खास बात होती है इसकी स्पेशलाइज्ड डिजाइन। इसे इस तरीके से बनाया गया है कि जो नॉर्मल फैंस होते हैं उनमें जो बीच का हिस्सा होता है वहां से हवा नहीं आती, लेकिन यहां पर उनके ब्लाइंड स्पॉट पर भी ब्लेड्स लगा रखे गए हैं जो कि देखने में तो ट्रांसपेरेंट होते हैं लेकिन ये भी आपके लिए एक फैन ब्लेड की तरह काम करेंगे। ये फैन आपको किसी भी नॉर्मल स्टैंडर्ड फैन की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर एयर फ्लो देता है। साथ ही इसका एयर टर्बुलेंस भी मिनिमम होता है। और दोस्तों अगर बात करी जाए ये एक स्मार्ट फैन होता है, आप अगर चाहें तो इसे वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आप इसे स्मार्ट होम असिस्टेंट से एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों इसके मिडिल में एक LED लाइट लगी होती है जिसका इस्तेमाल आप एक छोटी सी ब्राइट LED लाइट के तौर पर कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने घर के फैन को अपग्रेड करना चाहते हैं एक स्मार्ट फैन में, तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सोनी WHCH150। दोस्तों अगर आप एक म्यूजिक लवर हो और चाहते हो एक हेडफोन परचेज करना, तो दोस्तों एक बार आपको इन सोनी के हेडफोन्स को जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसे खास तौर पर बेस लवर्स के लिए बनाया गया है जो कि हाई बेस म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। इसकी साउंड की खास बात होती है कि यहाँ पर आपको प्रीमियम क्वालिटी की साउंड सुनने को मिलती है जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। साथ ही इसका बैटरी बैकअप किसी भी हेडफोन की तुलना में काफी ज्यादा होता है। यहाँ पर आप इसे सिंगल चार्ज पर लगभग 35 घंटों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको इस हेडफोन में टाइप सी चार्जिंग जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप इसे लगभग सिर्फ 10 मिनट तक चार्ज करके 90 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करी जाए इसकी कनेक्टिविटी की, तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इस हेडफोन में एक छोटा सा माइक भी दे रखा होता है जिससे कि आप कॉल वगैरह को भी रिसीव कर सकते हैं। साथ ही आपके मोबाइल के वॉइस असिस्टेंट को एक्सेस करने में भी ये आपकी मदद करेगा। रिंग स्टिक अप कैम। दोस्तों अगर आप अपनी होम सिक्योरिटी को लेकर अवेयर हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट का। नॉर्मली तो घरों में CCTV कैमरास का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक इंटेलिजेंट कैमरा जो कि ना सिर्फ आपके घर की निगरानी करे बल्कि किसी भी तरीके की मूवमेंट होने पर आपको तुरंत अलर्ट भी करे, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट का। दोस्तों इसमें AI मोशन डिटेक्टर इनबिल्ट होता है जिससे कि ये किसी भी होने वाली एक्टिविटी को ट्रैक करता रहता है और कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट पर तुरंत आपके मोबाइल फोन पर आपको अलर्ट देगा। वहीं आप इससे होने वाली रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल फोन पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं जिससे कि आप कहीं से भी अपने घर की निगरानी कर पाएंगे। साथ ही ये Amazon Echo डिवाइसेस को सपोर्ट करता है जिससे कि आप इसे अपने स्मार्ट होम असिस्टेंट से भी कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ये कैमरा किसी और नॉर्मल कैमरा से खास इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ और भी ज्यादा एडवांस ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे बैटरी कैम की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे जिसमें आपको किसी भी तरीके की एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं होगी। साथ ही अगर आप चाहे तो इसे नॉर्मल किसी प्लग में लगाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सोलर एनर्जी पर भी काम कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके का सिक्योरिटी कैमरा आपके इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए ही एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। MI TV 4X 65। दोस्तों मुझे पर्सनली MI की टीवी काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि वो एक बेहतर प्राइस रेंज में आपको बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल कराते हैं। हालांकि इससे पहले भी मैंने कोडैक जैसी बजट रेंज टीवी की अनबॉक्सिंग की थी, अगर आपने ना देखी हो तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कहीं ना कहीं क्वालिटी की, तो आपको MI की क्वालिटी काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। MI 4X आपको 65 इंच की देखने को मिल जाती है जो कि 4K HDR कंटेंट को भी प्ले कर सकती है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा खास बात होती है इसके साउंड। यहां पर आपको डॉल्बी एटमस डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको एक प्रीमियम साउंड अवेलेबल कराते हैं। दोस्तों अगर बात करी जाए इस टीवी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको सिनेमेटिक क्वालिटी देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा पसंद आएगी आपको। तो दोस्तों अगर इस दिवाली आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी टीवी को, तो ये उसके लिए एक बेहतर रिप्लेसमेंट होगा। लेकिन कीमत की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो ये टीवी आपको लगभग 55,000 रुपए की मिलती है जो कि इस टीवी के साइज को देखते हुए तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बजट रेंज के ऊपर रहती है। OnePlus TV।
दोस्तों वैसे तो वन प्लस के स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा लाजवाब होते हैं, ये ज्यादातर जाने जाते हैं अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में वन प्लस ने लॉन्च कर दी है अपनी टीवी, जो कि शायद टीवी के मार्केट को एकदम बदल कर रख देने वाली है। इससे पहले भी आपने एमआई वगैरह की टीवी देखी होंगी जिनकी क्वालिटी एक नॉर्मल क्वालिटी होती थी, लेकिन यहाँ पर वन प्लस ने आपको एक बेहतरीन क्वालिटी की एलईडी टीवी अवेलेबल कराई है। अगर बात करी जाए यहाँ पर आप इसकी मदद से 4K फुल एचडी कंटेंट को प्ले कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर साउंड क्वालिटी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए मोटराइज्ड साउंड बार दे रखे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा ड्रामेटिक एक्सपीरियंस रहता है। साथ ही यहाँ पर आप पिक्चर को बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से फील कर पाएंगे, क्योंकि इसके कलर एकदम नेचुरल रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी वन प्लस के फैन हो और आप भी चाहते हैं कि आपके पास ये टीवी हो, तो एकदम तैयार हो जाइए इस दिवाली इस टीवी को अपने घर लाने के लिए। इको इनपुट। दोस्तों अगर आप एक स्मार्ट होम स्पीकर चाहते हो जिससे कि आप अलेक्सा जैसे असिस्टेंट को एक्सेस कर सके, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटी सी डिवाइस का। बस आपको करना इतना होगा कि इससे अपने स्पीकर्स को वाया केबल कनेक्ट करना होगा, जिसके बाद आपके नॉर्मल स्पीकर्स भी स्मार्ट स्पीकर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं आप इस डिवाइस की मदद से अलेक्सा को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि आप इसकी स्किल्स का मजा ले पाएंगे। और यहाँ पर आपको म्यूजिक लिसनिंग, अलार्म, रिमाइंडर्स, न्यूज, स्पोर्ट्स और काफी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं अलेक्सा के जरिए। तो इस तरीके के बेहतरीन गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं आपको कुछ नए गैजेट्स के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, और गैजेट से भरी हुई इस दुनिया का हिस्सा बनने के लिए न्यूटेक गैजेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।